लोहगढ़ किले के ऊपर का नज़ारा। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ऊंचे पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसीलिए कुछ प्रसिद्ध बातों में आता है, क्योंकि शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ कर्मोपरांत उम्र गुजरा होगा यहाँ पे, और गुजरा था शायद, और कुछ नहीं है फिलहाल। लोहगढ़ किला पे एक दरगाह बना हुआ है, और ये कुछ तोहफे रखे हुए हैं, बिच्छू गिरा के दिखा रहे हैं, और ये किले से ऊपर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। कुछ लोग उधर घूम रहे हैं, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं, और ऊपर से ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग हैं, जैसे कि फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं। देखिए एक वो भी किला है, और ये नज़ारा है ऊपर का लोहगढ़ किले की, और दिखाते हैं आपको कुछ। ये हनुमान दरवाज़ा नीचे से ऊपर आते हुए, ऊपर से नीचे भी जाएंगे इसी रास्ते, और ये देखिए कुछ लोग उतर भी रहे हैं लोहगढ़ किले से, और ये लोहगढ़ भी है किले का। तो देखिए कुछ नज़ारा है और कुछ नहीं है, ये कैसे कैसे लोग उतर रहे हैं, रिस्क ले करके जाने कहाँ कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं। सीढ़ियों से कितनी चढ़ाइयों से कैसे कैसे जाना है ये देख सकते हैं। लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी ऊपर है, और ये झील है यहाँ पे पवन झील, और ये लोहगढ़ किला काफ़ी ऊंचाई से नीचाई की तरफ लोग जा रहे हैं अब अपने यात्रा सफल करके, और हम लोग भी यात्रा को ख़त्म करने जा रहे हैं लोहगढ़ किला से। हमारे साथ आए थे गौतम भाई। ये लोहगढ़ किला का एक दरवाज़ा, ये लोहगढ़ गुफा का एक दरगाह, और ये कि वो भी जो सामने देख रहा बड़ा सा टापू, उस पर भी करते हैं, उस पर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने वाली, लेकिन चढ़ने वाले चढ़ते कितने है, चढ़ना है सारा भी वहीं पे ही मिल जा रहा है। देखिए धन्यवाद। बहुत सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, और हम लोग नीचे उतर रहे हैं वापस जाने के लिए अपने पुणे के साइड लोनावाला से होते हुए। ये दरवाजे के लिए जंजीरें, ये देखिए कितने तगड़े हैं हनुमान दरवाज़ा। देखिए उनको ज़िंदगी से बहुत लगाव है या नहीं है वो ही समझेंगे, रील्स बनाना उनका भी अच्छा ही है। उतर रहे हैं धीरे धीरे लोहगढ़ किले से, कितनी उतार चढ़ाव है यहाँ पे। ना समझ के बराबर है ये, बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि जर्जर हो चुकी हैं सीढ़ियाँ, रास्ते अच्छे नहीं रहे, रिस्की है। वो काफी ऊपर ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, और ये रास्ता बेकार हो चुके हैं, इनको रिपेयरिंग अगर हो जाए तो चलने में आसानी हो जाए बाकी लोगों को। और एक तालाब दिखाते हैं जो पहाड़ों के अंदर बसा हुआ है, ये पानी है मुझे? पानी काफी साफ है, अच्छा है। काफी ऊंचाई से हम लोग आधे रास्ते नीचे आ चुके हैं। हाँ देखिए कितना खतरनाक होता जा रहा है जितने हम लोग नीचे जा रहे हैं व्यू। और ये देखिए अभी भी हम लोग कुछ भी ज़्यादा दूरी तय नहीं किए हैं नीचे जाने में,
तय करना है, काफ़ी नीचे जाना है हम लोग, और थोड़ी सी ऊपर से नीचे है ये देखिए, और थकान से भी महसूस हो रही है, काफ़ी समय से हम लोग चल रहे हैं इस किले पे, रास्ते टूट फूट गए हैं, जर्जर से हो गए हैं, अच्छे नहीं हैं, खतरे हैं, जूते ज़्यादा सेफ्टी रहेंगे वो भी स्पोर्ट्स वाले टाइप के। देखिए अंदर का बाथरूम है, जो बाथरूम बनाया जाता है शौच के लिए, टॉयलेट के लिए। ये किले के अंदर प्रवेश करते हुए आधे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और बच्चे आ भी रहे हैं और हम लोग नीचे जा भी रहे हैं। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई से हम लोग अब नीचे आते हुए धीरे 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 धीरे, और काफ़ी भीड़, बच्चे काफ़ी नए जनरेशन के, खूब शोर मचाते हुए एंजॉय करते हुए, इनको थकान नहीं होती। यह तोप है, ये एंट्री गेट था नहीं है, ये तोप है चार रखे हुए, जाने किस प्रकार से जलाए जाते होंगे। और ये एक छोटा सा रूम है, और देखिए कुछ समझ में आ रहा है शायद नहीं, यहाँ की नोटिस दी गई है समयकालीन मराठी भाषाओं में। यह दरवाज़ा है, काफ़ी वजनी दरवाज़ा हो सकता है, ये काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। ये बच्चे गणेश दरवाज़ा, हम लोग आते समय ही वीडियो बना रहे हैं, ना कि जाते समय, और हम लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे। गणेश दरवाज़ा एंट्री के लिए, जाने कितनी गेट बनी हुई है हर एक जगह पे, काफ़ी ऊंचाई, करीब 200 मीटर के लगभग है ऊंचाई, यहाँ से ऊंचाई है, और अभी फिर नीचे उतरना है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है उतरने में, कहीं कहीं रास्ते ख़राब हैं, शायद हम लोग उतरने के पोजीशन पे अच्छे हैं। इधर की सीढ़ियाँ अच्छी हैं, काफ़ी ही अच्छी हैं। पवन झील बोलते हैं उसे, और ये ऐसे से उतर के ही जाना है, कितनी बार उतरना है, कितने टुकड़ों को उतरना है तब हम लोग उतर पाएंगे। पहाड़ों पे घर भी बने हुए हैं, लेकिन वो पहाड़ काफ़ी छोटे हैं, ये पहाड़ काफ़ी ऊंचा है, और ये पहाड़ देखिए, पहाड़ सब ऊंचे ऊंचे हैं, 500 मीटर की ऊंचाई होगी लगभग, 1 किलोमीटर हो सकता है, वो तो 100 से 200 मीटर की ऊंचाइयों पे है। अब इसी से अनुमान लगाइए हम लोग अभी, वो देखिए वो छोर है आखिरी वाला, हमारे गौतम भाई इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है चलने में, इनको तो पसंद है यहाँ पे किला घूमना। एंड होने के कगार पे है लोहगढ़ फोर्ट, धन्यवाद, बंद करते हैं।